मैंने अभी फेसबुक पे एक पोस्ट देखा जिसमें लिखा था कि लोग न्यूजीलैंड और इंडिया का मैच देखने में बिजी थे, लेकिन किसी ने ये नोटिस नहीं किया कि मिस्टर फैजल, बहुत लोग नहीं जानते होंगे, ये एक ऐसी प्रजाति का हिस्सा है जो सिर्फ टिकटॉक पे पाई जाती है और वहाँ से इनको काफ़ी फेम मिला हुआ, जिसका फ़ायदा उठाते हुए एज एन इन्फ्लुएंसर उन्होंने एक तरीके से हिंदुओं को धमकी देने की कोशिश की और अपनी ओरिजिनल मेंटेलिटी बता दी कि वो वैसे लोग फ्यूचर में क्या कर सकते हैं या उनके साथ कभी कुछ ऐसा हो तो वो एग्जैक्टली क्या करते हैं, और एक तरीके का मतलब एक साइकिल रिप्रेजेंट किया कि ऐसा होगा तो ऐसा ही होगा। तो इस वीडियो में बने रहिएगा इनके बारे में कि असली किस्सा क्या था और इनका टिकटॉक अकाउंट बैन भी हो गया है, इसके बारे में पूरी हम लोग बात करेंगे। तो आज अभी पता चला है थोड़ी देर पहले, मुझे काफ़ी पहले बैन हो चुका होगा, 1 घंटा 2 घंटा पहले जो भी है, तो अकाउंट बैन हो चुका है। क्यों हुआ है ये मैं बताता हूँ, एक आपको इसके बाद अभी वीडियो दिखाऊंगा, इस वीडियो में वो क्या कह रहे हैं आप उनके मुंह से सुन लो, मैं कुछ डब करके एडिट करके कुछ नहीं, सुन लो। तो इस वीडियो में महाशय ने क्या कहा कि तबरेज मारा, उसका तबरेज को मारा गया, उसका बेटा अगर बदला ले तो ये मत कहना कि मुसलमान आतंकवादी होता है, ऐसा कुछ। तो इससे बहुत सारे सवाल निकलते हैं और सबसे पहला एक पॉइंट निकलता है कि पहले तो एक सवाल मेरा उन लोगों से जो सो कॉल्ड पॉइंट आउट अगर मैंने कभी कर दिया कि ये चीज़ करने वाला व्यक्ति मुसलमान था, तो मेरे खुद के साथी लोग कब कहने लग जाते हैं कि तुम नफरत फैला रहे हो, ये अक्सर लोगों को कहा जाता है कि तुम नफरत फैला रहे हो। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि ये जो वीडियो में उसने बोला, क्या वो नफरत फैलाना नहीं था? पहला सवाल। दूसरा सवाल ये जो उसने साइकिल की बात की कि तबरेज को मारा उसका बेटा बदला लेगा, तो ऐसे तो जिसको मारो उसका बेटा बदला ले, मतलब ऐसे आने वाली जनरेशन बदला लेती रहे, तो ये कभी रुके ना, नेवर एंडिंग साइकिल बनता रहे। तो पहला मेरा काउंटर इस आदमी से ये है कि जो कश्मीर में हुआ, लाखों की तादाद में मारा गया, रेप किया गया, धर्म के बेसिस पे अगर वो लोग बदला लेने पे आ जाते तो पूरे हिंदुस्तान से, अगर उनकी जनरेशन बदलने पे आ जाती, पूरे हिंदुस्तान में तुम लोग सच में माइनॉरिटी बन के रह जाते और आप 14% हैं शायद उससे ज़्यादा भी, और आपको माइनॉरिटी का दर्जा चाहिए जबकि आप सेकेंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी हो, लेकिन जब बेनिफिट चाहिए तो आप माइनॉरिटी हो। इस वीडियो को पोस्ट करने के बाद जाहिर सी बात है टिकटॉक पे बहुत सारा विरोध मिला ही होगा, जाहिर सी बात है ऐसी चीज़ कोई बर्दाश्त नहीं करेगा, बिल्कुल इलॉजिकल, और ये थी नफरत फैलाने वाली चीज़। और इस पर तो आपके हिंदुस्तानी भाव जो आप लोग जानते होंगे तो पता चला होगा, उन्होंने भी बहुत अच्छा रिएक्शन दिया, उनको देख लो, अच्छे अच्छे शब्दों में अपनी फीलिंग्स को प्रकट किया उन्होंने, जो मैं अभी इस चैनल की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए नहीं बोल सकता। तो वो वीडियो हटा दी टिकटॉक से, लेकिन फेसबुक पे वायरल हो रही है, लोग शेयर कर रहे हैं, इसके खिलाफ एक्शन की मांग कर रहे हैं। उस एक्शन को लेते हुए टिकटॉक ने कुछ लोगों के, 4-5 लोग हैं तो 3-4 लोगों के अकाउंट को बैन कर दिया है, आपको स्क्रीनशॉट दिख जाएगा। मैं कहना चाहता हूँ सिर्फ यही एक एक्शन काफ़ी नहीं है, अगर ये लोग इंडिया में रह के इंडिया के लोगों की पॉपुलैरिटी लेके प्यार लेके बढ़ते हैं, एक्टिंग करते हैं, जब देखो तब इनको रिलीजन अभी कैसे बीच में याद आ गया भाई। मतलब अगर मैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी के मुंह से सुना था कि मैं कलाकार हूँ, मुझे धर्म के बेसिस पे मत बांटो, मैं कहना चाहता हूँ टिकटॉक ने जो स्टेप लिया है बहुत अच्छा स्टेप है, बैन किया बहुत अच्छी बात है। मैं डिमांड करना चाहता हूँ और जो लोग मुझे देख रहे हैं, जो लोग एग्री करते हैं, मैं चाहता हूँ कमेंट में करें, वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएँ कि इन लोगों को, इस पूरे ग्रुप को, पूरे टिकटॉक से हटा दिया जाए बहुत अच्छे से, कभी वापस एक्सेप्ट ना किया जाए। मुझे पता है टिकटॉक का अपना रेवेन्यू जनरेट होता होगा, इन लोगों की वजह से टिकटॉक फेमस हो रहा होगा, ब्ला ब्ला ब्ला, लेकिन अगर टिकटॉक से इनको नहीं हटाया गया तो मैं चाहता हूँ टिकटॉक को यूज़र्स अपने फ़ोन से हटा दें। अब कुछ लोगों के लिए बहुत मुश्किल होगा, उनका स्ट्रगल होगा और टिकटॉक में बहुत प्यार, पता नहीं क्या क्या, अगर यही सब फालतू चीज़ें करनी है तो लोग डिग्रियाँ लेने का क्या मतलब है, सबको टिकटॉक से ही पैसे कमाने हैं। तो बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि या तो टिकटॉक इनको अपने प्लेटफॉर्म से हटाए या लोग अपने फ़ोन से टिकटॉक हटा दें, मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। इसको इतना वायरल करो, इस मैसेज को, चाहे मेरे वीडियो के थ्रू, चाहे अपने ट्वीट के थ्रू, चाहे जैसे, चाहे खुद टिकटॉक पे ये मैसेज करके। दूसरी मैं ये कहना चाहता हूँ कि इनके कुछ सपोर्टर्स, इनके साथ वाले कुछ लोग अब टिकटॉक पर वीडियो बना बना के कह रहे हैं कि उसका ये मतलब नहीं था, वो मतलब नहीं था। अभी भी लोगों ने वीडियो देखी होगी मेरे ही चैनल पे, जो भी मैंने अभी आपको दिखाया पहले क्लिप, उस क्लिप से जो मतलब समझ में आता सिर्फ उतना ही मतलब था, आड़ा टेढ़ा इधर उधर का मतलब निकालने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, जो आप सुनोगे सिर्फ वही मतलब निकालोगे, आप जो चाहे मतलब निकालने की कोशिश कर लो, आपको जो मतलब समझ में आता है वही मतलब था। तो लोग आके सफाई दे रहे हैं कि सपोर्ट करो, उनको वापस लाओ, उनको वापस लाओ, कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे लोगों की, इन लोगों ने अपनी मेंटेलिटी दिखा दी है। बस मैं कहना चाहता हूँ
किसी को किसी से नफरत करने की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी को हिंदू मुस्लिम में डिवाइड होने की ज़रूरत नहीं है। जिसकी जो मैंटेलिटी है उसने सामने आके वो दिखा दी। मैं पूछना चाहता हूँ, ये लड़का ट्विंकल के टाइम पे कहाँ था? जो हिंदू भी मरते हैं मुसलमानों के थ्रू, तो तब तो एक भी शब्द टिकटॉक पे तो ऐसा कुछ नहीं। भाईचारे वाली वीडियो उसने कितनी बनाई, मतलब जब आपको लगा दिल में चोट पहुंची कि आपका कोई एक मुसलमान साथी मरा, तो आपको लगा कि हम आएंगे उकसाएंगे, जनता में नफरत फैलाएंगे और अपने आप को हिट कर लेंगे, तो आपने अपने इन्फ्लुएंसर होने का फ़ायदा उठाया। अब ऐसे लोग इन्फ्लुएंसर बनेंगे तो जनता तो कुछ ऐसा ही सीखेगी। तो एक्चुअली यही ऐसे लोग आतंकवादी बनाते हैं, तो इनका बॉयकॉट होना चाहिए। और अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को करना शेयर, आपकी मर्ज़ी, करना नहीं करना, लेकिन इस मैसेज को शेयर करो कि टिकटॉक इन लोगों को हमेशा के लिए हटाए और कभी एक्सेप्ट ना करे, या तो इंडियन यूज़र्स टिकटॉक को हटा देंगे हमेशा के लिए। फिर मिलते हैं, जय हिंद, वंदे मातरम।